टॉपर ऑफ आवर क्लास दिक्कत आ रही है यहाँ पे बम्बल चलाया जा रहा है। आज हमारा लास्ट एग्जाम दिक्कत हमेशा रहती है। 10 मिनट पहले पेंट किया है। मिलेंगे अब सीधा इंटर्न के बाद। और आज 3 तारीख आज हमारा एग्जाम है कॉलेज में और फिलहाल तो मैं एग्जाम के निकल रहा हूँ। अभी हमें एडमिट कार्ड प्रिंट आउट कराने हैं, बहुत सारे काम है तो आगे मिलते हैं। द टॉपर ऑफ आवर क्लास जैसे कि आप देख सकते हैं कॉलेज जा जाते बड़े, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में आप? बहुत टॉपर है भाई। ऑल द बेस्ट गाइस एग्जाम के लिए तुम सभी को। वैसे हमने सारी तैयारियाँ कर ली हैं, हमारे सब कुछ हो चुका है। तुम पहुँच चुके थे कॉलेज टाइम से और अब हम जा रहे हैं एग्जाम देने। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट हमको और चीटिंग करके आएंगे, किस्मत साथ दें हमारी। एग्ज़ाम देने हम टाइम से आते हुए थे और सब कुछ सही चल रहा था, डेढ़ बज चुके हैं, पर थोड़े टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से क्या हो रहा है टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से तो सीटिंग प्लान में थोड़ी चेंज करनी पड़ रही है। जितनी रो है उतनी कॉलम नहीं है तो इसलिए दिक्कत आ रही है। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जो हमारे टाइम टेबल पर था उतनी क्लास में नहीं है तो थोड़ी दिक्कत आ गई है। धूप कितनी चमक रही है मेरे चेहरे पर। गाइस शर्म तो इनको आने दे रही है, एग्ज़ाम देने आए हैं यहाँ पे बम्बल चलाया जा रहा है, बिल्कुल शर्म नहीं आई आजकल के बच्चों को बिल्कुल ही। देखो दादी आज से 3 तारीख तो हमारा पहले एग्ज़ाम हो ख़त्म, अब आगे एग्ज़ाम से 5 तारीख है तो 5 तारीख का तैयारी करनी एग्ज़ाम ले जी। चलो ठीक चुका, दूसरा एग्ज़ाम है आज और वापस एकदम लास्ट और सेम डे सेम सर टॉपर सर हमारे। शर्म नहीं आ रही है तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? पढ़ने तो आज हमारा लास्ट एग्ज़ाम और लास्ट एग्ज़ाम 5 मिनट बचे हुए, सर टाइम हो ही गया है हम चाय पी लें। हेलो फ्रेंड चाय पी लो। देख रहे हो गाइस शर्म तो बिल्कुल ही नहीं है। और एग्जाम देने के बाद क्या करने वाले हम? दोबारा चाय पीने वाले। गाइस ये एक ऐसा इंसान है, इस इंसान को बिल्कुल ही शर्म नहीं आ दे रही है प्रियांशु। सारे बच्चे अभी भी पढ़ ही रहे हैं, सारे दोस्त देख रहे हो बगल में बैठ के चाय पी रहे हैं। जो आज जो वीडियो बना रहा है ना इसे पूरी रात बैठ के पढ़ा है और जो आप पढ़ रहे हैं उनको परेशान कर रहा है, उन्हें ताने मार रहा है। गाइस जिसको मैंने अभी आपको दिखाया वो इतना पढ़ के आया रास्ते भर, पूरी रात भर नहीं पढ़ा उसने, पूरे साल में नहीं पढ़ा, अब पढ़ के आ रहा है रास्ते भाई, में। तेरे को बता। और एक और बात मैं तेरे को बताऊं, सुबह जब से मैं नींद में था 4 बजे नींद वाला फेस नहीं होता उस समय से उठ के लगा है, शर्म तो आती नहीं है। और अभी तक लगाया वो, मैं तो डिप्रेशन मोड में तब गया, मैं भी स्कूटी से आ रहा था, 3-4 लड़कियां हाथ में कॉपी लेके पढ़ रही, मैंने बोला इतना मैंने बोर्ड के लिए पढ़ा। ये रास्ते पर चलते हुए पढ़ते है, वीडियो बनाई मैंने भी बुरे हाल है, पढ़ते आ रहा था बुरे हाल हमारे की उनके। अरे हम साल भर मेहनत करते हैं तो आखिर दिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है, वो तो हमें बताइए तुम करते हैं। तो हम निकलते हैं एग्जाम देने, 1:30 बजने ही वाले, क्लास में जाते थोड़ा तैयारी करते हैं चलते और मिलते हैं एग्जाम के बाद। ऑल द वेरी बेस्ट टू अस। पढ़ा तो कुछ है नहीं, लिख के कॉपी तो भर के आएंगे। 1 hour later हमारा पेपर हो चुका है और जैसा कि हमने एग्जाम से पहले कहा था हम चाय पी रहे होंगे और चाय पी रहे और गाइस मजा आया, सब बढ़िया चल रहा है, काफी जल्दी आ गए हम, पूरा ग्राउंड खाली है, ग्राउंड में खा दो होंगे। बहुत ईजी एग्जाम तो ऐसा था, बहुत बढ़िया मजा आ गया, लिख के सब कुछ आए, पता नहीं क्या लिख के आए पर लिख के आए, कॉपी भर के आए गाइस। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं 2 क्वेश्चन में सेम आंसर लिख के आया हूँ, 2 जगह सब जगह सेम आंसर लिखा था भाई, वो डिजिटल वाले पे और टीवी कौन से वाले में सेम आंसर लिख के आ रहा हूँ, 10 के 10 आंसर में सेम लिखना था भाई, वो बुक में भी सेम ही लिखा हो, पहले की 2 लाइन सब में सेम है गाइस, पहले की 2 तो सब में सेम है। One eternity later. एग्जाम हमारे खत्म हो चुके थे और एग्जाम खत्म हो गए थे, हमारा कॉलेज भी लगभग खत्म हो गया है तो हम दोस्तों ने मिलकर सोचा कि ऐसे कुछ सेलिब्रेशन टाइप का किया जाए, तो अभी हम जा रहे हैं फिलहाल एक कैफे पे, हम लोगों ने बुक करने की सोची है ऐसे ही दोस्तों ने किया, आपस में थोड़ा सेलिब्रेशन टाइप का हो जाएगा। और फिलहाल जो कैफे हमने जहाँ प्लान किया था वो कैफे में ऑलरेडी बुकिंग है, तो अभी दूसरे कैफे की बातचीत चल रही है और तैयार होकर हम निकल चुके हैं हम पार्टी के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कोई भी अगर पार्टी हो रही है तो उसकी एक दिक्कत हमेशा रहती है कि सारे लोग पहले तो आते नहीं है, फिर दूसरा लोग सबको क्वारंटाइन में इशूज रहते हैं, कम ज़्यादा फ्रेशर्स में भी ऐसा ही हुआ था, अभी भी ऐसा ही हो रहा है, तो हमें कोई ऐसी नई बात नहीं है हमारे लिए कोई। बाय द वे पार्टी एनिमल, तो गाइस पार्टी एनिमल गाइस दिस इज यू, ये हमने अभी 10 मिनट पहले पेंट किया है। Let's go.
ट्रेन ब्रेक स्टार्ट हो चुका है गाइस। चाय पियो, ये इतनी गर्मी में चाय पी रहा गाइस। ये है रियल पहाड़ी, रियल पहाड़ी। पार्टी के बारे में, पार्टी ठीक जा रही है अभी तक तो मजा आए। दूसरी पार्टी में अटेंड कर रहा हूँ अभी आज के दिन की। पहले किसी साथ करी थी? पहले कर चुके एक पार्टी। ये बहुत बहुत आराम इंसान है गाइस, मैं बता दे रहा हूँ लोग में। ये एक दिन में चार चार पार्टी अटेंड कर लेते हैं अलग अलग इंसानों के साथ। इसके बाद एक पार्टी और अटेंड करने वाले, कपल एंट्री मारते हैं। मिलेंगे आप सीधा इंटर्न के बाद। दो ब्लॉगर एक फ्रेम के अंदर, दो ब्लॉगर एक समापन हो चुका है। और तो क्यों बोला जाएंगे जू साहब, जय श्री राम। पार्टी खत्म होने के बाद हिसाब किताब चलता हुआ यहाँ पे फोटो शूट चलते हुए। सो हाय टू द कैमरा, ओए फोटो शूट चल रहे हैं गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल फोटोग्राफर केरला प्लेसमेंट के साथ फोटो चल रहा अपनी। ये अच्छे तो ज़ूम कर रहा था, बहुत प्यारा आया था। मोशन मोशन, पार्टी खत्म हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं शांति से अपने अपने घर को वापस। तू कहां जा रहा है? लाइक शेयर और क्या होता है सब्सक्राइब कर रहा है। कॉलेज में बात ऐसी हो गई है, दिक्कत सी आ गई है जिंदगी में, बहुत बुरा लग रहा है।